नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। फिरोजपुर में एक कार सवार परिवार को घेरकर दो मोटरसाइकिल सवार युवकों ने अंधाधुंध की फायरिंग, एक महिला सहित तीन लोगों की हुई मौत। जालंधर देहात पुलिस ने लूटपाट करने वाले दो आरोपियों को किया गिरफ्तार, एक मोटरसाइकिल और एक दातर किया बरामद। फिरोजपुर पुलिस ने दुपहिया वाहन चोर गिरोह के तीन सदस्यों को किया काबू, 20 मोटरसाइकिल की बरामद। और अब हलचल विस्तार से। फिरोजपुर में एक परिवार को घेरकर दो मोटरसाइकिल सवार कुछ युवकों ने अंधाधुंध फायरिंग कर कार में सवार एक महिला सहित तीन लोगों को मौत के घाट उतार दिया। तो वहीं डीएसपी वरिंदर सिंह खोसा ने बताया कि एक परिवार के चार लोग गुरुद्वारा अकालगढ़ के पास एक कार में सवार होकर किसी काम से जा रहे थे कि इस दौरान दो मोटरसाइकिल पर सवार कुछ युवकों ने कार को आगे पीछे से घेर कर उन पर फायरिंग कर दी, जिससे एक लड़की सहित तीन लोगों की मौत हो गई। तो वहीं घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं मामले की जांच की जा रही है। फिरोजपुर से हलचल की टीम मंजीत सिंह की रिपोर्ट। पता लग गया भी ये तीन बंदे ट्रिपल मर्डर है, तो असी इन बारे पूरी डिटेल पड़ताल कर रहे हैं। ये मरण वाले जोड़े है, एक तो आकाशदीप है, एक दिलप्रीत है, एक लड़की है जसप्रीत कौर। जिहड़ा दिलप्रीत ते जसप्रीत दोनों भैन भरा है। बाकी ये सारी वेरीफाई कर रहे हैं। जिहड़ा ये दिलप्रीत है, ये इहदी भी कुछ क्रिमिनल हिस्ट्री है पुरानी, इहदे ते 302 दे दो मुकदमे पहलां दर्ज है। ये जिहड़ा है इहनां दी कोई दुश्मनी दा ही मामला लग रहा है। बाकी डिटेल तुहानूं बाद च दिंदे हां। सर, गैंगवार भी हो सकदा? नॉट गैंगवार, ये तो परसनल दुश्मनी है। जिवें 302 दे पहलां परचे दर्ज है दिलप्रीत ते, उह असीं वेरीफाई कर रहे हां, फिर तुहानूं डिटेल दिंदे। सर, पुरानी रंजिश ही लग रही है? हां बिल्कुल पुरानी रंजिश ही है। टोटल पांच ही, दो इंजर्ड है, दो जिहड़ियां डेड बॉडीज बागी हॉस्पिटल च है, एक सिविल हॉस्पिटल। हाँ हाँ बिल्कुल, वो सारे सीसीटीवी वगैरह की फुटेज है, उन बंदे असं आइडेंटिफाई कर भी ले है, तो बाकी तुम डिटेल दें। हाँ, ये मोटरसाइकिलों पर से, ये कार से जो मरण वाले कार। हमलावर 6 बंदे दस रहे हाल तक, बाकी वेरीफाई करते। हाँ, सारे फिरोजपुर के रहने वाले है, ये देखते हैं। तक मौके पे आया, थाने डिटेल देने हैं। जालंधर देहात के थाना लोहिया की पुलिस पार्टी ने गत माह इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के पास गांव करा राम सिंह से दातर की नोक पर 64,640 रुपयों की लूट करने वाली दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से चोरी शुदा एक मोटरसाइकिल और एक दातर बरामद हुई। इस संबंध में जानकारी देते हुए पुलिस जाँच अधिकारी ओंकार सिंह बराड़ ने बताया कि गत माह इंडियन पेट्रोल पंप के पास गांव करा राम सिंह से कुछ व्यक्तियों द्वारा दातर की नोक पर 64,640 रुपयों की लूट की गई थी। वहीं मामले की जांच के दौरान शिकायतकर्ता भगत सिंह निवासी चनबिंडी कपूरथला ने 31 अगस्त को अपने बयान में बताया कि लूट में तीन लोग शामिल थे। वहीं उन्होंने बताया कि पकड़े गए आरोपियों की पहचान परमजीत सिंह उर्फ पम्मा निवासी अमीवाल, राजविंदर सिंह उर्फ राजू निवासी शेरपुर ताइबा जिला मोगा के रूप में हुई है। उन्होंने बताया कि आरोपियों को अदालत में पेश कर पुलिस रिमांड लिया जा रहा है, जिससे और भी खुलासे होने की संभावना है। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। जालंधर देहाती के मानयोग एसएसपी सरदार हरकमप्रीत सिंह खक जी की अगुवाई में जिले अंदर माड़े ते भैड़े पुरशां के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसे लड़ी तहत थाना लोहियां पिछले दिन 5/8/2024 में इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप से कुछ नामन व्यक्तियों वालों 64,000 समथिंग रुपए की सार भगत सिंह के पेट्रोल पंप से वारदात की। पुलिस के ध्यान में दो दिन पहला आया तो मुकदमा दर्ज जिहड़ा उत्थे 63/24 अंडर सैक्शन 304 BNS दर्ज किया गया, जो लोहियां थाने के मुख्य अफसर सार लाभ सिंह ने खुद और उसकी टीम ने बहुत ज़्यादा सज्जे तो आधुनिक ढंग तरीक इन्वेस्टिगेशन की, जिदे तहत दो दोषियों गिरफ्तार किया। इन तो लुट खोह का समान तो बरामद किया ही किया, तो नाल ही दौराने रिमांड इन्होंने दो वक् वक् जगह तो मोटरसाइकिल जोड़े चोरी किए थे वो भी बरामद किए हैं। ये दोषी परमजीत सिंह और पम्मा वासी अमियाल थाना धर्मकोट, तो साथी राजविंदर सिंह राजू
वासी शेरपुरा ताइबा मोगा जिले का संबंध रखते हैं। ये पुराने क्रिमिनल हैं तो इन्होंने काफ़ी मुकदमे दर्ज हैं तो जेल तो आके वारदात की सी जो पुलिस ने मुस्तैदी नाल इन्हों गिरफ़्तार करके सफलता हासिल की है। इस तरह दिया जिड़े भी हीनियस क्राइम संबंधित हैं मानयोग एस एस पी वालों सख्त दिशा निर्देशों तहत पुलिस वालों सख्ती कार्रवाई की जा रही है। थैंक यू। फिरोजपुर के एसपी सौम्य मिश्रा के दिशा निर्देशों पर बुरे तत्वों के खिलाफ चलाई गई मुहिम के तहत पुलिस द्वारा अलग अलग टीमें बनाई गई हैं। तो वहीं फिरोजपुर के थाना लखपू के पहराम को एक अगुप्त सूचना मिली कि कुछ लोग चोरी की मोटरसाइकिल बेचने के लिए ग्राहक की तलाश में हैं। थाना लखपू के पहराम की पुलिस द्वारा नाकाबंदी कर तीन लोगों साजन सिंह, गुरजीत सिंह और गुरविंदर सिंह को काबू करने में सफलता हासिल की है। इनके पास से अलग अलग शहरों से चोरी किए गए 20 मोटरसाइकिल बरामद किए गए हैं। वहीं पुलिस अधिकारी ने बताया कि अभी इस चोर गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार करना बाकी है। उन्होंने कहा कि पूछताछ जारी है जिससे और भी कई अहम खुलासे होने की संभावना है। फिरोजपुर से हलचल के लिए मनजीत सिंह की रिपोर्ट। साढ़े मानयोग एस एस पी फिरोजपुर एस पी डी साहब फिरोजपुर हदायतों से शक्की पुरशां के संबंध में जिहड़ी सवेरे डेली गश्त जाती है उहदे संबंध में एस आई गुरदीप सिंह थाना लखो के वो बस अड्डा लखो के मेरा मौजूद सीगा। उन्होंने मुखबरी हुई कि एक चोरों का ग्रोह जिहड़े मोहाली तो फिरोजपुर तो होर वख वख थावां तो मोटरसाइकिल चोरी करके लिया के इकट्ठे करके अगाह बेचते हैं जे हुणे ही रेड किया जाए वो तुहाडे काबू आ सकते हैं। जिस ते लखो के पुलिस वालों फौरी तौर पर कार्रवाई करदिआं मंडी कंधे शाह रेड किया गया जिथे 20 दे करीब मोटरसाइकिल अते 3 दोषी काबू कर लए गए जिन्हां तों रिकवरी करके उन्होंने खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। सर इन आरोपियों की पहचान की है जी कितों दी वसनीक? इन्हां दा नाम हैगा जी साजन सिंह मत्तड़ हठाड़, गुरजीत सिंह गट्टी मत्तड़, परमजीत सिंह पालीवाला। पहला भी खिलाफ परचे दर्ज है। कोई आरोपी फरार भी ने? हाँ 2 आरोपी फरार ने जी। मोटरसाइकिल चोरी जी मोहाली तो फिरोजपुर तो लुधियाने तो वक् वक् शहरों से मोटरसाइकिल चोरी करके इतने कट्ठे कर लेंगे फिर उतों गांह बेचने जाते हैं। कुछ दस जी कितने बेचते ये जिदा तफ्तीश चालू है पठानकोट में हाल ही में एक बड़े अपराध का मामला सामने आया था जिसमें स्थानीय कारोबारी बादल भंडारी के बच्चे का अपहरण कर फिरौती के रूप में 2 करोड़ रुपयों की मांग की गई थी। तो वहीं इस मामले में पंजाब पुलिस और हिमाचल पुलिस के संयुक्त प्रयास से अपराहत बच्चे को सुरक्षित छुड़ाने में सफलता प्राप्त हुई थी। अब इस मामले में पंजाब पुलिस को एक और बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने इस अपहरण की साजिश रचने वाले मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर दिया है। इस महत्वपूर्ण गिरफ्तारी की पुष्टि पठानकोट के एसएसपी डीएस ढिल्लों ने प्रेस वार्ता के दौरान की। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपी का नाम अवतार सिंह है जो पठानकोट का निवासी है। वहीं उन्होंने बताया कि खास बात यह है कि अवतार सिंह वही व्यक्ति है जो अपहरण की पूरी साजिश का मास्टरमाइंड था। आरोपी अवतार सिंह की पत्नी कारोबारी बादल भंडारी की ऑफिस में काम करती थी जिसके जरिए अवतार सिंह ने इस साजिश को अंजाम दिया। भंडारी साहब न वो कभी लखा छुंदी है कभी हज़ारा रुपया छुंदी है। सो इन्हें अंदाज़ा ला रहा है महीने में भंडारी साहब को काफ़ी चौखी आमदन होंगी है। और उस तो बाद जो क्योंकि लैन जाता सी भंडारी साहब उत्थे होंगे सी भंडारी साहब न बादल भंडारी ये मिलता गिलता भी रहा उन्होंने विश्वास इन्हें जित लिया सी। और उन्होंने भी शक नहीं पाया कि साढ़े रिसेप्शनिस्ट ने उन्होंने हसबेंड आते इस तरह का कोई शक भी नहीं होया। बच्चा भी कुदरती तौर पर अपने फादर के शोरूम से चले जाता सी भी उत्थे खेड़ता खूड़ता रहिंदा सी। फिर ये दिमाग च आया कि जे जल्दी अमीर होना तो बच्चे की किडनैपिंग की जाए और प्लैन करके की जाए। उस प्लैनिंग के तहत इन्हें इहदा दोस्त एक रिशव जिहड़ा कि वह भी जे सी बी ऑपरेटर आ हिमाचल का रहण दा रिशव नूं अपने नाल इन्हें रलाया। रिशव का अगियों दोस्त हैगा आ अमित राणा जिहड़ा कि डिसमिस कॉन्सटेबल आ बी एस एफ चों। इन्हां दोनों नूं अपने नाल रलाया अपने नाल रला के ये फिर उन्होंने पहला अगस्त महीने तो लैके हुण तक रैकी करवाउंदा रहा।
पहले टू व्हीलरस ते रैकी होंदी रही, फिर अमित राणा ने भी अगस्त के नेड़े तेड़े जी है स्विफ्ट डिजायर वाइट वाइट कलर की कार है, एक ऐप के राही सैल्फ ड्रिवन जी है आप जी ड्राइविंग कर सकता वो चंडीगढ़ तो उन्हें हायर की स्पैशली फॉर दिस परपज। उस कार दे विच उन्हें जी हैगी भी तरीक नूं लै लैंदा, उस तो बाद फिर कार राही रैकी होंगी क्योंकि बच्चे नूं किडनैप करना सीगा, टू व्हीलर तो औखा सी, इस करके कार नूं हायर किया गया। कार का नंबर प्लेट चेंज किया गया, नंबर प्लेट जिहड़ा सीगा हू बहू वह नंबर प्लेट लाई गई जिस तरह की चंबे जिले के सेम मॉडल सेम कलर की सिर्फ डिजायर कार आ, शायद वह इन्होंने कितने वेखी होएगी जानू कितने नैट के उत्ते पता लग गया कि इस तरह की एक कार है, उस तरह की ही कार क्रिएट की गई। कार क्रिएट करके ये 26-27 तरीक के नेड़े तेड़े इन रैकीज़ ज़्यादा तेज़ हो गई, पहला प्लैन कर 27 तरीक न भी उन्होंने लड़के किडनैप कर गए, 27-28 भी किडनैप कर गए आ, पर किसी कारण करके इन्हें किडनैप नहीं कर सके। एक दिन तो बच्चे शायद छुट्टी हो गई सी पिता के दसन के मुताबिक, तो एक दिन जो किडनैप कर गए तो उन्होंने गुआढ़ी ने किसी ने शायद अपना वहीकल बाहर कढ़ लिया, उन्होंने घर के होर मैंबर आ गए, डर गए कि हाँ रौला पै जाएगा, असं कितने उत्थे जाके गली दे विच स्ट्रक ना हो जाइए। फिर उस तो बाद जी हैगी 30 तरीक नूं तां इन्होंने अंजाम देता वारदात को, अंजाम देने तो बाद जे है हिमाचल से इमीजिएटली एंटर करके क्योंकि पठानकोट आसे पासे हिमाचल तो J&K ने घिरिया होया, तो पठानकोट तो हिमाचल में एंटर कर लगिया हार्डली 3-4 मिनट लगते हैं, सो तुरंत हिमाचल चले गए। तो साड़िया जड़िया पुलिस दिया चेज टीम सगिया जिदा ही पता लग्या, उस तो बाद इनवैसटीगेट करके चेज टीम भी मगर जड़िया हो गई, बाकी तो जी कहानी है वो तुम्हें पता ही उत्थे जाके इन बच्चे रिकवर कर लिया गया। हुण मुकदी गल जिहड़ा व्यक्ति आ ये अवतार सिंह ही मुख जिहड़ा साजिश का घाड़ा आ, इन्हें साजिश करके बच्चे की किडनैपिंग कराई, ये पैसे तो टुटिया होया, ऋषभ भी पैसे तो टुटिया होया, अगे जिहड़ा अमित राणा आ वो BSF चो डिसमिस हो गया, सारे पैसे तो टुटे हुए आ, जल्दी अमीर बनने के लालच में इन्होंने जाके बच्चे को अगवा किया। अगवा करन दे बाद ये मकसद कि बच्चे नूं असी पैसे लवेंगे किसी जगह पर हिमाचल दे विच बुला के, और उस तो बाद जिहड़ा हैगा आ बच्चे नूं छड़ना नहीं सी, जां छड़ना सी जां नहीं छड़ना सी, ये देखो मौके ते हुंदा किस तरह के हालात बनते आ, जे हालात उन्होंने अपने टाइट लगन हो सकता कि बच्चे का नुकसान कर देंगे, जे उन्होंने हालात सुखावे लगते बच्चे को छड़ भी सकते, पर बच्चे की जान में बेहद खतरा सी इस गल का। चिंतपुर्णी के पुराने बस स्टैंड के पास स्थित राधा कृष्ण मंदिर में गत दोपहर करीब 3:30 दो अनजान युवकों ने चोरी का प्रयास किया और मंदिर में मौजूद पंडित रामचंद्र पर हमला करने की कोशिश भी की, हालांकि दोनों युवक अपने इरादों में सफल नहीं हो पाए और मौके से फरार हो गए। तो वहीं ये घटना उस समय की है जब दोनों युवक माथा टेकने के बहाने मंदिर में आए, उन्होंने पंडित रामचंद्र से प्रसाद चढ़ाने को कहा, जैसे ही पंडित प्रसाद चढ़ाने के अंदर गए दोनों युवक भी उनके पीछे पीछे चलने लगे, इससे पंडित को संदेह हुआ और उन्होंने युवकों को मंदिर में राधा कृष्ण की मूर्ति के पास आने से मना किया। इस पर युवकों ने पंडित को पकड़ने और हमला करने की कोशिश की, लेकिन पंडित ने साहस दिखाते हुए एक युवक को धक्का देकर गिरा दिया, जिसके बाद दोनों युवक भाग निकले। वहीं मंदिर के मुख्य पुजारी राजपाल कालिया और राजेंद्र कालिया ने बताया कि इस घटना की सूचना तुरंत पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। उन्होंने ये भी बताया कि मंदिर की राधा कृष्ण की मूर्ति पर लगा पीतल का छत्र गायब है। ये है महाराज 3:30 के बाद है, 3:30 के बाद की 3:15 बजे मैंने गेट ही खोला महाराज। अच्छा, हुआ क्या मतलब जब वो आए? हुआ ये है महाराज, जब मैं अंदर गया दोनों मेरे पीछे आ गए थे, उन्होंने मुझे मेरे सिक्का अंदर लगा, उन्होंने दोनों ने मुझे पकड़ दिया, दोनों ने पकड़ने के बाद उसके पास लाल कपड़ा था, मुझे बीच से मेरे मुँह में लगा रहा था, मुँह में लगाने से मैंने उससे पहले अपना हाथ आगे कर दिया पहले जैसे। नहीं, आप पहले बाहर थे कि अंदर क्यों गए आप? उन्होंने मेरे पास एक चढ़ाने के लिए कुछ सामान दिया था, अच्छा। मेरे पास वो मैं चढ़ाने गया था अंदर, जब गया तो मेरे पीछे तुरंत ही अंदर आ गए थे वो पे, तब जब मैं पीछे देखा तो पीछे मुड़ के दोनों मेरे पीछे थे, मैंने यहाँ क्यों आए अंदर, मैंने भागो, जब मैंने भगाने की कोशिश की भगाया तो अपने जेब से कपड़ा निकाल दिया, तो मेरे मुंह में लगा तो मेरा हाथ आगे कर दिया, मेरे क्या है, तो मैं तब मेरे मन में खटक पड़ गया, मेरी बदमाश है भाई, मैं कपड़ा तब दोनों मेरे पे चिपक गए थे वो, तो मैंने एक को नीचे गिरा दिया, तब तक वो मैं क्या है कि मैं बाहर भाग गया सीधे, मतलब दो चार उन्होंने मुझे यहाँ लगाए सिर के पीछे लगाए, उन्होंने दो तीन लगाए उन्होंने यहाँ, क्योंकि मैं यहाँ शहर ने नीचे गिर गया, नीचे गिरा दिया उन्होंने मेरे को वहाँ पे, फिर भाग गए पहले आगे मैं भागा महाराज बाहर, तब वो भी भाग गए थे,
तो छत्तर आपके सामने से निकाल कर ले गए? छत्तर नहीं, और बाद में देखा मैंने छत्तर नहीं था, उलट पुलट था, मैंने भी सीधा किया हुआ अंदर। अच्छा अच्छा। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश उत्सव विश्व भर में श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इसी तरह सचखंड श्री हरिमंदिर साहिब में भी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश पर्व मनाने के लिए शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से विशेष प्रबंध किए गए। इस अवसर पर श्री अकाल तख्त साहिब और सचखंड श्री हरिमंदिर साहिब को खूबसूरत फूलों के साथ सजाया गया। इस दौरान देश विदेशों से बड़ी संख्या में संगतें सचखंड श्री हरिमंदिर साहिब और श्री अकाल तख्त साहिब में नतमस्तक होने के लिए पहुंचे। गौरतलब रहे कि शहीदों के सरताज श्री गुरु अर्जुन देव जी ने गुरु साहिबान, भगत साहिबान और भट्टा की वाणी को एकत्रित कर भाई रामदास जी और अन्य सहायक लिखारियों से गुरुद्वारा रामसर साहिब में आदि ग्रंथ की संपादना की थी, जिसके पश्चात नगर कीर्तन के रूप में इस पावन भीड़ को गुरुद्वारा श्री रामसर साहिब से लेकर सचखंड श्री हरिमंदिर साहिब में इसका पहला प्रकाश किया था। इस अवसर पर गुरुद्वारा रामसर साहिब से विशाल नगर कीर्तन सचखंड श्री हरिमंदिर साहिब के लिए रवाना हुआ। इस मौके पर शिरोमणि कमेटी के प्रधान हरचंदर सिंह धामी की ओर से सभी देशवासियों को श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के प्रकाश पर्व की शुभकामनाएं दी गई। उन्होंने बताया कि इस अवसर पर जलोस साहिब भी सजाए गए और रात को दीपमाला व सुंदर आतिशबाजी भी की गई। इस मौके पर फरीदकोट से सांसद सरबजीत सिंह खालसा भी गुरु घर में नतमस्तक होने के लिए पहुंचे और गुरु घर में माथा टेककर सरबत के भरे की अरदास की। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। प्रकाश पर्व की अज एक पहला सब तो पहला वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। एक तो सब तो पहला प्रकाश पुरब की लख लख वधाई। दूजा अज भाई साहब भाई बलविंदर सिंह जटाणा जिन्होंने एस वाई एल नन लाया सी, नहीं तो अज जो मालवा है वह रेगिस्तान हो जाता बन जाता हूँ नुकादा। उन्होंने अज उरे शहीदी दिहाड़ा सी, अरदास सी उन्होंने शहीदी दिहाड़े ते उरे खंडपट साहब के भोग पाए गए, उत्थे हाजरी भरन आए सी। अज चिंत मिटाई धन धन श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी ने अज दे दिन बाबा बुढ़ा साहब जी ने मुख ग्रंथी थाप के श्री हरिमंदर साहब विखे पहला प्रकाश किया। सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह जी ने आप चौर करते हुए आए अते पहला हुक्मनामा आया सोही महला पंजवा संतां के कारज आप खलोया हर काम करावण आया राम। अज सिख जगत में देशों विदेशों के अंदर श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के पहले प्रकाश दिहाड़े दियाँ बहुत बहुत बधाइया। हुण बाणी नाल जुड़ो, बाणे नाल जुड़ो, नशियां तो दूर होवो, पखंड देह जिन्हें भी देहधारी गुरु ने उन्हां तो दूर रह के शब्द दे लड़ लगो। यही श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के प्रकाश दिहाड़े की बधाई होवेगी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतह। वाणिज्य वाहन निर्माण उद्योग में 40 से अधिक वर्षों की विरासत के साथ एक प्रसिद्ध नाम SML Isuzu ने जालंधर में अपने नवीनतम 3S डीलरशिप स्ट्रॉन्ग व्हील्स का उद्घाटन किया। ये आधुनिक सुविधा बिक्री सेवा और स्पेयर पार्ट्स के लिए समर्पित है और जालंधर तथा आसपास के जिलों के ग्राहकों की जरूरत को पूरा करने के लिए रणनीतिक रूप से स्थित है। इस नए शोरूम का उद्घाटन राज्यसभा सांसद सतनाम सिंह संधू, दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल बीच ने विशेष रूप से उपस्थित होकर किया। इस दौरान शोरूम के मालिक सिमरदीप सिंह मान, सिमरजीत सिंह, दिनेश डोगरा, वीरेंद्र डोगरा ने आए हुए सभी मुख्य मेहमानों को सम्मानित कर उनका स्वागत किया। इस अवसर पर कंपनी के चीफ जनरल मैनेजर मार्केटिंग प्रशांत कुमार ने कहा कि पंजाब में अपनी उपस्थिति का विस्तार करते हुए स्ट्रॉन्ग व्हील्स के उद्घाटन से वे बहुत उत्साहित हैं। ये नया डीलरशिप ग्राहकों को सर्वोत्तम उत्पाद और सेवाएं प्रदान करने की उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। सुविधा के साथ वे जालंधर और उसके आसपास के ग्राहकों की बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए अच्छी तरह से तैयार हैं। इस मौके पर पूर्व विधायक रजेंद्र बेरी, सेंट सोल्जर ग्रुप से राजन चोपड़ा, डिंपल झुनेजा, राय सेल्स से विनोद चावला, शकुन चावला सहित शोरूम का पूरा स्टाफ भी उपस्थित रहा। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत के साथ रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। SML Isuzu आपके पंजाब में हमारा प्लांट है और ये रोपड़ में हमारा प्लांट है और ये पिछले 40 सालों से, इनफैक्ट 41वां साल चल रहा है जो SML Isuzu आपके मार्केट में है। पहले यह स्वराज माजदा के नाम से जानी जाती थी
पंजाब ट्रैक्टर यहाँ की एक सरकारी कंपनी थी, तो इनका जॉइंट वेंचर हुआ माजदा के साथ और स्वराज माजदा कंपनी बनी थी। बट आज से करीब 12-15 साल पहले स्वराज माजदा के शेयर को इसुजू ने और सुमितोमो कॉरपोरेशन ने खरीद लिया और ये SML इसुजू के नाम से कन्वर्ट हो गया। तो ये स्वराज माजदा SML इसुजू के नाम से आज आपके मार्केट में है। आपके मार्केट में यदि पंजाब में देखेंगे तो पंजाब में हमारा मार्केट शेयर करीब करीब 60% है। मार्केट में इसकी एक्सेप्टेबिलिटी बहुत है और प्रोडक्ट की जो खास बात है कि इसकी बस की और ट्रक की, जो हम बस बनाते हैं और ट्रक बनाते हैं, वो 3.5 टनेज टन से लेकर के अप टू 11 टन तक हम हमारा प्रोडक्ट रेंज है। जो हम ट्रक के रेंज में LCV सेगमेंट कहते हैं वो ट्रक के रेंज में है और बस के रेंज में हमारी अप टू द 52 सीटर्स तक हमारी बस आती है। सो ये हमारे बस का रेंज है और हमारे ट्रक का रेंज है। जहाँ तक बस की बात करें तो बस का मेरा ऑल इंडिया मार्केट शेयर करीब करीब 21% के आसपास है हमारे सेगमेंट की जो बसेस है, और ट्रक का मार्केट शेयर करीब करीब 7% के आसपास है जो हमारे मार्केट शेयर है। तो सबसे पहले कंपनी ने ट्रक बनाना शुरू किया था 1983 में और वहाँ के बाद हमने बस की दुनिया में पैर रखा। और आपको ये जान के बड़ा ही एक सुखद आश्चर्य होगा, यह एक जनरल नॉलेज का भी एक आंसर क्वेश्चन है कि SML इसुजू या स्वराज माजदा, इट वॉज द फर्स्ट कंपनी इन इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जिसने फैक्ट्री बिल्ट फुल्ली बिल्ट बसेस बनाए। अभी तक क्या होता था कि बस की चेचिस बनती थी और बॉडी बिल्डर पे जाती थी, बॉडी बिल्डर बस बना के देते थे। तो ये पहली कंपनी है जो फैक्ट्री बिल्ट बसेस बनाना शुरू की और उसको देख कर कि बाकी जो कंपनी है, जो हमारे कॉम्पिटिशन की कंपनी है, उन लोगों ने भी अपने बस बिल्डिंग प्लांट बनाने शुरू किए। सत श्री अकाल जी, मैं सिमरदीप सिंह मान, पार्टनर स्ट्रोंग व्हील्स। असी इस कंपनी के अंदर, असी स्ट्रोंग व्हील्स के अंदर चार पार्टनर हैं, जिद मिस्टर दिनेश डोगरा, मैं सिमरदीप सिंह मान, सिमरनजीत सिंह तो वीरेंद्र डोगरा, असी चार पार्टनर है। इस तो पहला असी ऑटोमोबाइल लाइन के अंदर 25 साल का साडा बहुत रिच एक्सपीरियंस है। असी अक्रॉस पंजाब एंड हिमाचल रॉयल एनफील्ड के डीलर है। साढ़े को पटियाला, राजपुरा, समाना, पातड़ा, कुल्लू, मनाली, हुशियारपुर, मुकेरिया, जवाली, ऊना, ये सारी जगह की रॉयल एनफील्ड की डीलरशिप है। कस्टमर सैटिस्फैक्शन के अंदर साडा विशेष तरीके साड़ी पकड़ हैगी है, जिदे करके सानू रॉयल एनफील्ड के भी मौका देकर इन्नी डीलरशिप दी है। तो हूँ असी SML परिवार के नाल जुड़ के स्ट्रोंग व्हील्स नाम की डीलरशिप के नाल जलंधर के साढ़े अंडर जो 6 डिस्ट्रिक्ट दिते ने, जलंधर, हुशियारपुर, नवांशहर, कपूरथला, पठानकोट ते गुरदासपुर, इन्हों के अंदर अपने कस्टमरस की, पंजाब के कस्टमरस की सेवा करने इतने हम हाज़िर हुए हैं। तो SML इसुजू एक बहुत ही वधिया कंपनी, तो जैपनीज इंजनस के नाल आने वाली एक वड्डी कंपनी हैगी है। एक इकलौती ऐसी कंपनी है जो मैं अपने पंजाब के गाहकों को यह कहना चाहूँगा कि इसकी पंजाब दे विच ही मैनुफैक्चरिंग हैगी। रोपड़ दे विच इन्हां दा मैनुफैक्चरिंग प्लांट ते सैटअप हैगा। ये अपने पंजाब के लोकल लोगों नूं ते इत्थे दे जमपलां नूं ही नौकरी दे उत्ते बड़ा मौका दिंदे हैगे आ, सारा अपना सपोर्ट रखते हैगे आ, अपने पंजाब के स्टेट लई बहुत ज़्यादा रेवेन्यू भी जनरेट करते हैगे आ। तो ये करके भी सानूं इस कंपनी नूं ते इस कंपनी के प्रोडक्ट नूं प्रमोट भी करना चाहिए। महानगर जालंधर में कुछ घंटों की बारिश ने शहर को पूरी तरह से जलमग्न कर दिया। सेंट्रल टाउन, दमोरिया पुल, इकहरी पुली और अन्य पौष इलाकों सहित पूरे शहर में हर जगह सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा था। तो वहीं हालात ये थे कि सेंट्रल टाउन समेत कई क्षेत्रों में दुपहिया वाहन पूरी तरह से पानी में डूब गए, जबकि कई वाहन तैरते हुए देखे गए। ये स्थिति नगर निगम प्रशासन के उन दावों की पोल खोल रही थी जिसमें उन्होंने शहर की सफाई व्यवस्था और सीवरेज सिस्टम को दुरुस्त करने की बात कही थी। वहीं भारी बारिश के बाद शहर की लगभग सभी सड़कों पर पानी भर गया, जिससे पैदल चलने वालों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कई जगहों पर ट्रैफिक जाम की समस्या भी पैदा हो गई, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। गत दिनों बैंक कॉलोनी नज़दीक मिठापुर चौक जालंधर में रेजिडेंट्स एसोसिएशन की प्रथम मीटिंग हुई, जिसमें सभी सदस्यों ने चेयरमैन अश्विनी कुमार, प्रधान डॉक्टर राजेंद्र वासदेव, सेक्रेटरी त्रिलोचन सिंह भसीन, कोषाध्यक्ष श्याम मूर्ति शर्मा को सर्वसम्मति से चयनित किया। इसके साथ ही कार्यकारिणी के सदस्य भी चुने गए। तो वहीं निर्वाचित सदस्यों ने
आश्वासन दिया कि कॉलोनी की बेहतरी, स्वच्छता और भाईचारे के लिए हृदय से कार्य करेंगे, हर निवासी के सुख दुख में तहे दिल से कार्य करेंगे। इस मौके पर शक्ति सब्रवाल, डॉक्टर राजेंद्र वासदेव और अश्विनी कुमार ने मीटिंग को संबोधित किया। वहीं डॉक्टर राजेंद्र वासदेव ने बताया कि इस मीटिंग में बैंक कॉलोनी के 42 परिवार सम्मिलित हुए। मीटिंग का संचालन जनरल सचिव त्रिलोचन सिंह भसीन ने बखूबी निभाया। अंत में चेयरमैन अश्विनी कुमार ने सभी सदस्यों का तहे दिल से धन्यवाद किया। इस दौरान पैटर्न मनवीर सिंह सचदेवा, चेयरमैन अश्विनी कुमार, उप चेयरमैन सुरेंद्र कोचर, उप चेयरमैन संजय जोशी, अध्यक्ष डॉक्टर आर के वासदेव, वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रदीप शर्मा, उपाध्यक्ष सुरेंद्र कौशल, उपाध्यक्ष विजय असीजा, महासचिव टी एस भसीन, संयुक्त सचिव जसप्रीत सिंह कुकरेजा, कोषाध्यक्ष श्याम मूर्ति शर्मा, संयुक्त कोषाध्यक्ष रोहित शर्मा, सचिव जनसंपर्क प्रमोद मेहता, संयुक्त सचिव जनसंपर्क गुरप्रीत सिंह कालरा, कार्यकारी समिति के सदस्य संदीप अरोड़ा, मानिक मलवाहा, दिनेश अरोड़ा, राकेश उन्वी, विकास जामवाला, जसप्रीत सिंह, हरजीत कौर, सुमन धवन, कानूनी सलाहकार एडवोकेट राजेश शर्मा, एडवोकेट हरजोतपाल सिंह भसीन भी उपस्थित रहे। डिफेंस कॉलोनी फेज 3 में बिना मंजूरी के किए जा रहे कमर्शियल निर्माण के खिलाफ नगर निगम ने कड़ा कदम उठाया है। निगम के बिल्डिंग विभाग के एटीपी सुखदेव वशिष्ठ के नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए एक रिहायशी नक्शे के आधार पर किए जा रहे कमर्शियल निर्माण को सील किया गया है। निर्माण स्थल पर 16 दुकानों का निर्माण हो रहा था जिसे निगम ने सील कर दिया। तो वहीं एटीपी सुखदेव वशिष्ठ ने बताया कि निगम कमिश्नर गौतम जैन के देशों पर इस अवैध निर्माण को रोका गया। निर्माण को तारे लगाकर सील किया गया क्योंकि वहां कोई दरवाजा नहीं था। उन्होंने बताया कि ये कार्रवाई निगम कमिश्नर के आदेशानुसार की गई है ताकि अवैध निर्माणों पर रोक लगाई जा सके और शहर में नियमों का पालन सुनिश्चित किया जा सके। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। न्यू डिफेंस कॉलोनी फेज 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਗਰਾਊਂਡ ਫਲੋਰ ਤੇ ਸਲੈਬ ਪੂਰੇ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ 100% ਕਵਰੇਜ ਕਰਕੇ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਇੰਟਰਨਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ 8 ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੋ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਇੱਟਾਂ ਲੱਗਦਾ ਇੱਟਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਥੱਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੀਂਹ ਪੱਟੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ 8 ਥੱਲੇ ਤੇ 8 ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਊਸਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਨਕਸ਼ਾ ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ 100% ਕਵਰੇਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 100% ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਵੀ ਫਸਟ ਫਲੋਰ ਤੇ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੀ ਅਜੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਵਗੈਰਾ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਸੀ ਪਰ ਕੰਮ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਏਰੀਆ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਗੈਰਾ ਸਬਮਿਟ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਕਵਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕੰਡਿਆਂ ਦੀ ਤਾਰ ਲਾ ਕੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਓਪਨਿੰਗ ਫੀਸ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਲੈ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। विश्व हिंदू परिषद विश्व का सबसे बड़ा हिंदू संगठन है। विश्व हिंदू परिषद की स्थापना 29 अगस्त 1964 में मुंबई स्थित परम पूज्य स्वामी चिन्मयानंद जी के सांदीपनी आश्रम में हुई। इस वर्ष ये अपने 60 वर्ष पूर्ण कर रहा है। इस षष्ठी पूर्ति वर्ष के उपलक्ष्य में भारत के प्रत्येक प्रखंडों में स्थापना दिवस कार्यक्रम किए जाने निश्चित हुए हैं जिसमें विश्व हिंदू परिषद की उपलब्धियाँ और हिंदू समाज के लिए चुनौतियाँ व उनके समाधान के लिए चर्चा की जाएगी। तो वहीं फिरोजपुर छावनी में एक कार्यक्रम श्री रामबाग वृद्ध सेवा आश्रम में किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता माननीय रास बिहारी जी उत्तर भारत के धर्माचार्य संपर्क मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे। इस मौके पर रामबाग के प्रधान हरीश गोयल ने बताया कि विश्व हिंदू परिषद के 60 वर्ष पूरे होने पर रामबाग वृद्ध आश्रम कमेटी के सहयोग से बैठक का आयोजन किया गया है। वहीं उन्होंने कहा कि जो हिंदुओं के साथ उन्हें लालच देकर धर्म परिवर्तन हो रहा है उसे रोकने के लिए और सभी लोगों को अपने धर्म से जोड़ने के लिए बैठक का विशेष तौर पर आयोजन किया गया है। फिरोजपुर से हलचल के लिए मंजीत सिंह की रिपोर्ट। विश्व हिंदू परिषद आज से 60 साल पूर्व बना। 60 साल पूर्व होने के उपलक्ष्य में पूरे भारतवर्ष में विश्व हिंदू परिषद संगठन के हर स्तर पर, जिला स्तर पर, प्रखंड स्तर पर, देश के सभी इलाकों में ये कार्यक्रम हो रहे हैं। उसी कड़ी में आज फिरोजपुर में ये कार्यक्रम हुआ। इस कार्यक्रम का मेन उद्देश्य होता है कि हिंदुओं को संगठित रखा जाए, किया जाए। जो कोई हमसे विमुख हो रहे हैं, किसी भी माध्यम से हो रहे हैं, उनको अपने साथ दोबारा घर वापसी कराई जाए। हमारी
यही इच्छा रहती है कि हिंदू संगठित हो और देश में हिंदू धर्म का वर्चस्व बढ़े। अगर हिंदुस्तान हिंदुओं के लिए बना है तो हिंदू जो कहे वो ही बात मानी जाए और वही एक धर्म है। हिंदू कभी भी किसी धर्म का विरोध नहीं करता, लेकिन हिंदू ये चाहता है कि हमारे धर्म को परिवर्तन कराने के लिए जो ताकतें हैं वो नहीं होना चाहिए। हम सब एक हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, वो भी हमारे धर्म का सम्मान करे। इसी कड़ी में ये सब कार्यक्रम होते रहते हैं। मैं आज इस 60 वर्ष पूरे होने पर पूरे देशवासियों को, हिंदुओं को बधाई देता हूँ। सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर के पावन परिसर स्थित श्री सालासर बालाजी मंदिर में भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें भजन गायक लक्की राजन पार्टी ने श्री सालासर बालाजी महाराज का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को झूमने पर विवश कर दिया। इस अवसर पर असंख्य भक्तजन भी उपस्थित रहे। अंत में प्रसाद रूपी लंगर भी वितरित किया गया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन स्वदेश भगत की रिपोर्ट। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा चिनो शिव शंकर भी तुझ समाधि आए तेरी पूजा करते देव और दानव तेरी महिमा गाए सूरज चांद सितारे तेरे द्वार पे डाले तेरा ओ मैया द्वार तेरा ओ मैया द्वार तेरा Thank you.
अश्विनी कुमार अग्रवाल अपनी संसारिक यात्रा पूर्ण कर प्रभु चरणों में विलीन हो गए हैं। उनकी आत्मिक शांति हेतु श्रद्धांजलि सभा का आयोजन श्री सत्यनारायण मंदिर नजदीक एसडी कॉलेज रोड जालंधर में किया गया। इस दौरान पंडित संतोष शास्त्री ने श्री गरुड़ पुराण जी के पाठ का भोग डालकर स्वर्गीय अश्विनी कुमार अग्रवाल को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर ब्रह्म कुमारी आश्रम की बीके रेखा दीदी, बीके हिमा दीदी और मीना बहन ने अपने प्रवचनों से अश्विनी कुमार अग्रवाल की आत्मा की शांति की दी प्रार्थना की और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर पूर्व विधायक रजिंदर बेरी, भाजपा नेता अमरजीत सिंह अमरी व पारिवारिक सदस्यों में पत्नी स्नेहलता, आशीष अग्रवाल, मानवी अग्रवाल, अवनीश अग्रवाल, अपर्णा, अरुण गुप्ता सहित शहर के राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक वर्ग से जुड़े लोगों ने पहुंचकर स्वर्गीय अश्विनी कुमार अग्रवाल को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। भगवान करेंगे अर्जुन नयनम चिंतन शस्त्राणी नयनम धर्म पावना करें। इस आत्मा का जो है ना तो भूख सुखा सकती है, ना पानी गीला कर सकता है और ना हो जाए इसको काट सकता है, ना कोई इसको मार सकता है। करें जो कुछ होता शरीर को होता है, चोट लगती शरीर को होती, आत्मा को कुछ नहीं। भगवान करें अर्जुन आत्मा अजरअमर है, इसलिए किसी प्रकार का जो है चिंता करने वाली बात है नहीं है। आप तो तैयार हो करेगी मत बोलो प्रभु जी मेरा खाता मेरा जन्म जननों का।
श्रद्धांजलि देंगा, लेकिन परमात्मा का भाना तेरा भाना मीठा लग अश्विनी महाराज नाल मेरा 35 साल तो 35 साल तो प्यार थी और हमेशा ही असू कटे रहे हैं। राजनीतिक तौर पर भी जितने कितने लोड़ पी है उन्होंने हमेशा ही मेरा साथ दिता, चाहे अपना बूथ से कहना सी चाहे नेता कह कर सी जरा भी काम दिता उन्होंने ईमानदारी के नाल किया और कहता भी यह काम मैं कर रहा है, जो उन्होंने कहना काम मैं नहीं करना। तो यहोज इंसान अज के युग के कद पैदा नहीं होंगे जेडे हमेशा एक साथी के नाल पूरा मोटे के नाल मोटा जुड़ के खड़े होंगे। कुमारी आशू भाई मेरी बड़ी भैन रेखा दीदी की और उन्होंने साथी इस शोक सफाई करके मेरे भैन मेरे मुदावान मेरे साथी मेरे बुजुर्ग गुरबाणी जी ने कहा मदन के पौड़े मंदिर में असी धरती के जन्म लेंगे साड़ी मौत पहले ही नहीं मौत ही नहीं जिंदगी ने कई अहम चीज़ें की साड़ी एजुकेशन होनी की साड़ा प्रोफेशन होना की साड़ी अगली होनी यश अपयश एक परमात्मा को पहले ही निश्चित इसी तरह मेरा छोटा भाई अश्विनी गुप्ता जी साडे विच नहीं रहे लेकिन उनकी मिठी याद हमेशा ही साडे सब दे मन च बनी रही खास करके जो मैं अपनी जिंदगी की गल करा बचपन तो लैके अज तक मेरा उनका साथ रहा। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नज़र फिर से फिरोजपुर में एक कार सवार परिवार को घेरकर दो मोटरसाइकिल सवार युवकों ने अंधाधुंध की फायरिंग, एक महिला सहित 3 लोगों की हुई मौत। जालंधर देहात पुलिस ने लूटपाट करने वाले 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार, एक मोटरसाइकिल और एक दातर किया बरामद। फिरोजपुर पुलिस ने दोपहिया वाहन चोर गिरोह के 3 सदस्यों को किया काबू, 20 मोटरसाइकिल किए बरामद। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।